हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खमागढ़ी मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर बेलवर चैनल द रॉयडर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, ये बेस लेयर है, नीचे भी पहन रखा है मैंने सेम मटेरियल का कपड़ा। और इससे होता यह है कि मतलब आप जैकेट के अंदर में आपको लगता है कि आपने कुछ पहन नहीं रखा है, पूरा हवा जो है आप फील करते हो। इट्स अ ब्रीदेबल मटीरियल, ये राइनॉक्स का वेपर प्रो है। और इसके अलावा ये मेरा ट्राउज़र है जो कि समर वेयर ही है बेसिकली, गर्मियों में हवा पास ऑन होता है। और मेरा जो जैकेट है वो ज्यूस का है, ज्यूस का जैकेट है मेरा, और इसमें स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी है। खैर, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, आई एम बिहाइंड स्केड्यूल, सो अब मैं हमारा जो मीटिंग चेक पोस्ट है वहाँ पर जाकर मैं आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 8th of April एंड वी आर गोइंग टू पारसनाथ हिल्स। इट इज़ इन धनबाद, धनबाद में पारसनाथ हिल्स में राउंड में जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे चार और साथी, देवज्योति, शोभी और मैं हूँ, बाकी एक बाहर है। तो यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खमागढ़ी मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर बिलवेड चैनल द रॉयडर। दोस्तों अब देख सकते हैं हम लोग होंडा बिग विंग से निकले हैं और सर ने आज मुझे अलाउ किया यामाहा लेने के लिए वरना मैं हाइनेस ही अपना लाता। और ये है मेरा दोस्त सैकत, मैं सैकत और शोभिक में, यार मैं इसको हमेशा शोभिक बोल देता हूँ, शोभिक ये रहा, ये शोविक और वो देवज्योति है। देखिए सांप वाला हेलमेट पहन के निकल रहे हैं। उनमें एक अकेला मैं, ऑड वन आउट। वैसे ये लोग भेदभाव नहीं करते, बहुत इंक्लूसिव सोसाइटी है होंडा की, इसीलिए मैं यहाँ पे अलाउड हूँ। चलो अब राइड को आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी की बातें राइड के दौरान ही मैं आप लोगों के साथ कर लूंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की कहानी। ये देखिए हम लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस राइड को कर रहे हैं। सारे के सारे देखो यहाँ पे गियर्ड अप है कम्प्लीटली, यहाँ पे सब के सब एकदम पूरी तरीके से ऊपर से नीचे गियर्ड अप है, इंक्लूडिंग मी। मैं, ये मेरा ग्लव्स है, आप देख सकते हो राइनॉक्स वाला ग्लव्स है, ये ज्यूस का जैकेट है और सोलेस का ट्राउज़र है, राइडिंग पैंट है। और इसके अलावा मैंने 10,000 का वो सोलेस का एक जूता ख़रीदा था जो कि कम्प्लीट एक राइडिंग शू है। सो हम कम्प्लीटली गियर्ड अप, सारे के सारे बाइक्स होंडा के हैं और मैं अकेला यहाँ पे यामाहा लेकर आया हूँ। खैर ये वेरी होंडा की बहुत ही इंक्लूसिव कम्युनिटी है, आवाज़ तो आप इसकी एडिक्टिव आवाज़ सुनी सकते हैं, सुनिए ठीक से, देखिए रोर कर रही हैं बाइक्स। चलो यार दिन तो हो गया, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अब कि लाइट जो है वो ऑफ कर दें क्योंकि दिन में ये लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। अरे सुन ना, लाइट तो बंद कर दे। मैं उनको भी बोलूँगा कि सर कि अब और लाइट की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक ठाक दिख ही रहा है। सर और लाइट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, ऐसे ही चलिए। और मेरा व्लॉग सेशन जो है कैमरा भी ठीक से इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, बहुत अच्छा यार, अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात सुने ये लोग। और अब मैं सबको इशारा कर रहा हूँ मेरे आगे चले जाएं, अभी आप देखेंगे सारे के सारे मेरे पास से निकलेंगे। ओके या चलो अब मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको, खैर ठीक है, मैं और थोड़ा आगे जाके आप लोगों को अपनी कहानी बताऊंगा। अभी हम लोग ट्रैफिक जाम में भी वैसे फंसने वाले हैं, अब मैं हाईवे पे जाकर ही आप लोगों के साथ आगे की बातें करूंगा। तो चलिए, तो दोस्तों मैं थोड़ा धीरे हो गया था पर अब मैंने स्पीड पकड़ लिया है, सो आई एम गोइंग टू कैच अप टू माई फेलो राइडर्स। हम लोग अभी VIP रोड की ओर बढ़ रहे हैं, लेक टाउन की ओर,
और जल्दी हम लोग कलकत्ता छोड़ भी देंगे, बट जब तक हैं कलकत्ता में हम लोग अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले राइडर्स ने बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाया था, पर जब तक मैंने कैमरा ऑन किया फॉर्मेशन बिगड़ गया। चलो ठीक है, अभी बहुत लंबा हम लोग का राइड है। हम लोग एक्चुअली इंटरस्टेट कर रहे हैं, छोटा मोटा इंटरस्टेट कर रहे हैं, ये धनबाद तक हम लोग जा रहे हैं। सो हमारे सामने है शोविक भाई, जो कि जोर का एपिक्स वेनमस हेलमेट पहन रखे हैं। जोर का सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो वेरिएंट हेलमेट है वो आई थिंक यही वाला है। ये सबसे ज़्यादा बिकता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। मेरे पास एक ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट कम्प्लीटली इनकरेक्ट और इफ माई नॉलेज ऑफ स्नेक्स सर्व्स मी राइट, देन आई थिंक ये एक ब्लैक मांबा से इंस्पायर्ड एक हेलमेट है। बट आई थिंक इसमें सिंस वेरियस कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लू मांबा तो होता नहीं है, ग्रीन मांबा होता है। सामने में सुमिरन सर जो हेलमेट पहन रखे हैं वो भी सेम हेलमेट है। खैर आज मैं ये वाला हेलमेट पहन कर नहीं आया हूँ, आज मैं दूसरा हेलमेट पहना हूँ, जोर का ही है, पर ये स्ट्रीट वेरियंट है जोर का। और सुमिरन सर भी एक जोर वेनमस एपेक्स वेनमस पहन रखे हैं, और उनका वाला जो है ऐश कलर का, जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जोर के सारे कलर वेरिएंट्स में। पर कलर इज़ अ पर्सनल चॉइस, सो आई कांट मेक यू नो, मैं ये किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, बस मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐश कलर, ऐश और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे सबसे ज़्यादा भाता है। इनफैक्ट बाइक्स में भी और किसी भी चीज़ में मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन बना के रखने की कोई नीड महसूस नहीं की है, हम लोग शहर के अंदर में हैं और अपने ही तरीके से जा रहे हैं, जिसको जैसे मन कर रहा है। अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं यार, ऊपर से सुमिरन सर जो है वो कम्प्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड है। आई डोंट नो हाउ ही गेट्स सो मच एनर्जी। एक एक्स एसएफ कमांडो होने का ये फ़ायदा है आई थिंक, कि वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। ये आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, और सुमिरन सर आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये एक एक्स एसएफ कमांडो रह चुके हैं। तो ही हैज सर्व्ड द इंडियन आर्मी, एंड नॉट ओनली दैट, ही हैज सर्व्ड द इंडियन आर्मी इन द हाईएस्ट ऑफ यू नो ऑनर्स बेसिकली। वो एक्चुअली कल भी नहीं सोए थे, कल भी वो स्लीप डिप्राइव थे और आज भी हैं। सो दो दिन बिना सोए कैसे ये राइड कर रहे हैं भाई, इट्स कम्प्लीटली बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। He has the endurance and the training. इनको तो भाई, इन्होंने मुझे बताया था कि इनको ऐसी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कितना भी टॉर्चर कर लिया जाए इन पे तब भी ये देश के सीक्रेट्स रिवील नहीं करेंगे, वो ट्रेनिंग भी इनको दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इनकी ट्रेनिंग होती है। As usual, यात्रा शुरू होते ही ब्रेक का टाइम हो गया और हम ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, सारे छोटी सी टपरी पे चाय पीते हुए, पर हम अपनी कॉफ़ी लेके आए हैं और हम अपनी कॉफ़ी खुद पियेंगे। ये है हमारे सुरेंद्र सर, हेलो, जिनकी मैं तारीफ कर रहा था अपने वीडियो में। यही है हमारे वो एक्स एसएफ कमांडो, और बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं सबसे आपको विदाउट हेलमेट पहली बार मैं आपको रूबरू करा दूँ। ये है हमारा सैकत विदाउट हेलमेट, पहली बार देख लीजिए। ये हमारे शोविक भाई। तू कौन है बे, तू स्टूल पे क्यों खड़ा? आईना इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। ये है देवो ज्योति और ये है सैकत। मैं हमेशा इसका नाम मिस्टेक कर जाता हूँ, इसको शोविक बोलता हूँ। इनफैक्ट इनसे मिलने से पहले से ही मैं इसको शोविक बोलता हूँ। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ग्रुप, देखिए वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं और मैं भी कॉफ़ी पीऊँगा। वैसे पूरे ग्रुप को मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, पर अपने आप को नहीं कराया। ये मेरी बद्दी सी शक्ल है, देख लीजिए। ये बताइए एक्सप्रेशन, यू गॉट अ फेस ओनली मदर कैन लव, दैट डोंट अप्लाई टू यू, यू आर अग्लियर देन द डेविल्स एसहोल इटसेल्फ। और हमारा पूरा सेटअप जो है, मैं आपको अपने पूरे सेटअप से रूबरू करा दूँ। ये मिल्टन का
फ्लास्क मैंने खरीद के लाया, 350 ml का है पर बहुत काम का है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है और मुझे छोटे वाले की ही ज़रूरत थी। चाहता तो 500 ml या 1 liter वाला भी खरीद सकता था, बट आई प्रेफर्ड दिस वन ओवर दी अदर्स, मुझे छोटा वाला चाहिए था तो मैंने 350 ml वाला ख़रीदा। मुझे ब्लैक वाला चाहिए था, ब्लैक वाला मिला नहीं, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, सो आई हैड टू सेटल फॉर दिस। ये स्टील कलर या सिल्वर कलर वाला है, ये कार्बोनाडो का मॉड पैक है, ये हमारा हेलमेट है, गोप्रो 8 इसमें लगा हुआ है और जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये गोप्रो 7 है, और ये हमारा ASD SD5 इंटरकॉम है, इसको मैंने अभी तक पेयर भी नहीं किया है, बस क्या हेलमेट में इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद जल्दी से निकल लिया। अभी मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मैं इसको पेयर करूंगा बाकी जो राइडर्स हैं उनके साथ। मैं सबको ट्रेल कर रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस ग्रुप के पीछे हूं। इनफैक्ट मैं हमेशा ही किसी भी राइड में जाता हूं ना तो मैं हमेशा लास्ट में ही रहता हूं, क्योंकि मेरी एक पर्सनल पॉलिसी है या फिलॉसफी है कि कोई भी जवान पीछे नहीं छूटना चाहिए, तो मैं जब भी किसी राइड पे निकलता हूँ ना तो इस पॉलिसी के तहत चलता हूँ या बाइक चलाता हूँ और हमेशा सबके पीछे रहता हूँ। इसका एक फ़ायदा, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं कैमरा आज लेकर आया हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ, मैं विदाउट कैमरा भी जब राइड पे निकलता हूँ तब भी मैं हमेशा सबके पीछे रहता हूँ। कोई भी अगर पीछे छूट जाता है ना तो कोई अगर मुसीबत में हो, कुछ भी अगर परेशानी हो तो मैं उसके लिए रुक जाता हूँ। वैसे तो ये पूरा ग्रुप ही रुकता है, बाकी लोग जो आगे जा रहे हैं कोई लीड करने के लिए कोई चाहिए, सारे के सारे अगर लास्ट आएंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट और लास्ट वाला कोई रेस तो चल नहीं रहा है। सुमिरन सर हमको आगे से लीड करते हैं, अफ्रीका ट्विन चला रहे हैं, 3 हाइनेस है और 1 FZ25 है और 1 अफ्रीका ट्विन है। दोस्तों अगर आपको विधवा विलाप में इंटरेस्ट है तो ये वाला वीडियो आगे देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी एक दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों मैं इससे पहले जब भी राइड्स में गया हूँ ना तो मैं बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड और अंडर इक्विप्ड गया हूँ, तो इस वजह से होता ही है कि मैं दूसरे राइडर्स को देखता हूँ और उनको देख देख कर मुझे जलन होती है, ईर्ष्या होती है और मुझे काफ़ी इन्फीरियर सा फील होता है जब मैं देखता हूँ कि उनके पास इतने सारे बैग हैं, बंजी कॉर्ड्स हैं और फुल्ली लोडेड वो लोग जाते हैं और मैं एक छोटा सा ये कार्बोनाडो का ये वाला बैकपैक लेके बस निकल लेता हूँ झोला उठा के। तो एक सॉर्ट ऑफ पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं ना वो मैं फील करता था, वैसे ज़रूरत भी थी मुझे तो इस वजह से मैंने अपना ये मॉड पैक खरीदा और सैडल बैग भी खरीदा था, पर मैं इस राइड में मुझे सैडल बैग की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं थी। एक इंटरस्टेट राइड ज़रूर है बट एकदम हमारे एडजेसेंट स्टेट है झारखंड, उसी के शहर धनबाद में हम लोग जा रहे हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस वजह से मैं इस राइड में अपना बस मॉड पैक लेकर आया हूँ। सैडल बैग मैं दिखाना चाहता था सभी को पर इस राइड में वो पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग शक्तिगढ़ पहुँचे हैं और ये जगह लैंगचा के लिए फेमस है, यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट हैं ना सब सिर्फ लैंगचा को ही अपना USP बना रखे हैं। ये देखिए लैंगचा, अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली लैंगचा मतलब कैसा टेस्ट करता है, मुझे पता करने का कोई शौक भी नहीं है, एक मीठा डिश होता है और मैं मीठे से बहुत दूर रहता हूँ। अरे देखो यार हल्का सा स्क्रैच लग गया है, कैसे फिर भी कैसे लड़कियों जैसा रो रहा है यार। नहीं यार जान से भी प्यारा है यार, ऐसा थोड़ी ना लगना चाहिए। देखो यार इसके शॉकर में हल्का सा ये दाग लग गया है, ठीक है ऐसा लग रहा है इसकी चुनरी में दाग लग गया है। बात कैसे कर रहा है, देखो रो रहा है, देखो विधवा विलाप, इसको विधवा विलाप बोलते हैं। ये है हमारा अफ्रीका ट्विन, कितना सीसी का है सर? 1100 cc। ये 1100 cc का अफ्रीका ट्विन है भाई, देख के ही इसको तो ऑर्गेजम हो जाता है। एक तरह का ऑटोमोटिव पॉन है ये, आई मीन राइडर्स के लिए, क्योंकि इतना कम्फर्टेबल है, सारे कम्प्लीट पैकेज है। और इन हाइनेसेस के बीच में मैं अकेला ऑड वन आउट हूँ, हमारा FZ25। और देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एकदम सबसे बेहतर एग्जांपल दिखता है, होंडास के बीच में हम यामाहा धर्म वालों को एक्सेप्ट किया जा रहा है और हम प्राउडली यस यामाहा बोल पा रहे हैं,
ये है बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सर्वधर्म संपन्न। हाँ, सर्वधर्म संपन्न। ये हमारे शौविक भाई और ये है देवोज्योति भाई। इनफैक्ट मैं मीठे से ही नहीं, मैं नॉन वेज से भी दूर रहता हूँ। आई एम ए कम्प्लीट वेजिटेरियन एंड इन ए स्टेट लाइक बंगाल आई एम इन द ओवरवेलमिंग माइनॉरिटी। वेल, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको वेजिटेरियन स्टोर्स मिल जाते हैं। तो आ गई है गर्मा गर्म कचौड़ी और साथ में दाल। तो हम बैठ गए हैं, पेट पूजा चल रहा है, पेट पूजा चल रहा है और मित्रों के लिए सामने रखा हुआ है अपना हाइड्रेशन बैग का, बैग का उपयोग कर रहा हूं। खरीदा है तो उसका तो यूज तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मत फोटो लेना सर, बहुत गलत मैसेज जाएगा। सो एक छोटा सा आधे घंटे का ब्रेकफास्ट ब्रेक सारे अभी क्या हाइड्रेशन बैग लगता है इन्होंने दारू भर के रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में छुप छुप के चुस्की ले रहे हैं। पानी है, कितना लेना है?